9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सड़क माध्यम से दिल्ली से भगाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मदद की है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन को वाराणसी तक पहुंचने में मदद की और फिर यहां से मिथिलेश कुमार की मदद से सोरेन रांची पहुंचे। हालांकि निशिकांत दुबे के इस बयान पर ना ही केजरीवाल और ना ही मिथिलेश कुमार ने अब तक कोई भी प्रतिक्रिया दी है। आज अपनी आवाज पर हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए। सोमवार 29 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 26 जनवरी से ही सोरेन दिल्ली में मौजूद है। हेमंत सोरेन चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए थे और उसी दिन वे वापस लौटने की वाले थे और उसकी उम्मीद भी थी, लेकिन ईडी टीम को हवाई अड्डे पर जब तैनात किया गया तो वो सोमवार का दिन था। फिर सोमवार की सुबह ईडी की टीम सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, वहां सोरेन नहीं मिले। एजेंसी ने आवास से 36 लाख रुपए, 2 बीएमडब्ल्यू कार और एक दस्तावेज जब्त किया। बता दें कि झारखंड में बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने सोरेन को ढूंढने के लिए 11,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन निकाला था। मंगलवार को झारखंड के गायब बताए जा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40 घंटे बाद आखिरकार रांची पहुंचे। सुबह उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और सत्ताधारी गठबंधन के दलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। कयास है कि हेमंत अपनी पत्नी की जगह यहां मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। बीजेपी नेता ने बताया कि हेमंत सोरेन जब रांची और दिल्ली में नहीं थे तब वे सड़क माध्यम से दिल्ली से रांची तक का सफर तय कर रहे थे। दिल्ली से रांची की दूरी 1300 किलोमीटर है। मंगलवार को सोरेन रांची पहुंचे। बीजेपी के लापता वाले खबरों का पलटवार करते हुए जेएमएम के हेमंत सोरेन की तस्वीर शेयर की गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।